तो आप इस समय R&D वर्कशॉप के अंदर वुडन का जो प्रैक्टिकल आज है हमारा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वुडन का जो क्रॉप ज्वाइंट आपको आज प्रैक्टिकल हमने सिखाना है, तो उसके ये टूल हैं। तो सबसे पहले जो है वो सा है, टेनन सा है, रिब सा है, और आपका फॉर्मर चीजर है, और आपकी जो है मास्टर फाइल है, राफ्स फाइल है, और इसके अलावा ये चेक प्लेनर है, और ये आपके साइज स्केल है, और ये आपका स्केल है, और इसके अलावा पेंसिल, और पेंसिल रहेगी मार्किंग के लिए। तो लगभग ये सभी टूल आज आप प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से आज आप क्रॉस जॉइंट को तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने ये पीस लिया, वुडन पीस लिया, जो कि 2 इंच और 1.5 इंच, और इसकी लंबाई जो है, इस पीस की टोटल लंबाई जो है वो 24 इंच है, और हमें जो चाहिए 12 इंच। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस करेंगे, मार्किंग करेंगे 12 इंच की। तो ये आपका मार्किंग हो गया 12 इंच। तो इसको हम जब मार्किंग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्केल, ट्राई स्केल को यूज करने का तरीका ये है। तो इस प्रकार से ये मार्किंग आ गई। तो इसी तरह ऑल अराउंड जो है हमने मार्किंग कर लिया। अब हम इसको बेंच वाइज के अंदर यहां इसको फिक्स करेंगे। अब यहां रख दे, ठीक है, ठीक है। अब कौन सी साल रहेंगे, रिब साल रहेंगे, रिब साल से उसकी हुई मार्किंग को हम कटिंग करेंगे। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो अपना जो नखून है यहाँ पे, इसको हेल्प के लिए कि हमारा बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर आरी जो है कटिंग करे, उसको सपोर्ट देना है, और सीधा राइट एंगल के ऊपर इसको कटिंग करना। स्मूथली बिल्कुल सीधा चलाना है। जब आप बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो थोड़ा सा स्लो स्लो चलाना है, ताकि लकड़ी एकदम ना कटे और जिससे टेढ़ी ना हो, वो बिल्कुल स्लोली। ये तो ये आपका पीस तैयार हो गया, जो कि क्रॉस जॉइंट के लिए 12 इंच का पीस हो गया। अब इसमें सबसे पहले जो है इसको 30 सेंटीमीटर भी इसको बोल सकते हैं और 12 इंच भी बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसकी फिनिशिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेट प्लेनर। तो इसका तरीका क्या है, ये इसका स्टेशन है, अब थोड़ी सा ये पॉइंट है, पॉइंट, और इस पॉइंट के साथ ये टच हो गए, और इसको ऐसे आप प्रेस करते हैं तो ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है। और इसके बाद
जैक प्लेन है तो इसकी सहायता से इसको फिनिशिंग करेंगे। बहुत अच्छा। ये साइड फिनिश हो गई तो हम ट्राई स्केल से इसको हम चेक करते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है सरफेस हमारी राइट एंगल पे आ चुकी है। तो उसके लिए अभी हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्केल। कैसे चेक करो, थोड़ा नीचे हो आपके सामने हो जाए भाई, कहीं टेढ़ापन तो नहीं है, कहीं बीच में लाइट तो नहीं है, बिल्कुल सरफेस पूरी स्मूथ है राइट। हाँ, तो इस प्रकार से इसको चेक कर लिया कि हमने जो किया है वो प्रॉपर। हाँ, ये इसको फाइनल हो गया। चलो ठीक है, ओके। अब इसको हम पेंसिल लेके इसको यहाँ ओके कर देंगे कि ये साइड हमारी ओके हो गई है। नेक्स्ट आप इसी तरह इस प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे। अब इसके अपोजिट साइड को फिर फिनिश करेंगे। और यदि संभव हो तो आप लोग वहां पे जहां भी आप रह रहे हैं वहां पे जरूर कारपेंटरी शॉप होगी, तो वहां पर इस प्रकार का ये साइज जो हम आपको बता रहे हैं उसका पीस लेकर के वहां इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब यहां से आपने सीख लिया तो वहां जाके उनको बोलो कि टूल आपके होंगे, सिर्फ हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सिस्टम से आप अपने घर पर भी इस प्रैक्टिकल को वास्तव में पूर्ण कर सकते हो। और आपकी एक छोटी सी वर्कशॉप हो जाएगी आपके शहर में, जैसे कि कंपनी में जो है बच्चा ट्रेनिंग लेता है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं शॉप के ऊपर ये ट्रेनिंग हुई है। तो इसको भी हमने चेक करना है। चलो इसको भी वैसे ही ट्राई स्केल से हम चेक करें कि बिल्कुल हाँ एक्यूरेट है। शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट एंगल पे है सरफेस। हाँ, तो अब इसको टिक्का लगाएं कि ये सरफेस मैं कर चुका हूँ। ओके, अब नेक्स्ट इसकी साइड की पहले ये जगह साफ कर। बहुत अच्छे। तो अगेन इसको वही प्रोसेस ये जैक प्लेन का प्रयोग करते हुए हम इसकी तीसरी थर्ड साइड को इसी तरह फिनिश करेंगे। तो इसका जो साइज है वुडन का वो है 12 इंच x 2 इंच x 1.5 इंच। Thank you.
दूसरा ब्रांड से यूज करो, ठीक है। जो है रफ मटेरियल उतारने के लिए होता है, तो उसको फिनिश के लिए यूज करो। आगे ज्यादा जहां मटेरियल उतारना हो तो वहां पे ब्लेड को थोड़ा अधिक रख लेते हैं। चलो फोर्थ साइड, एक ही बार में जोर लगाना होता है। और इसमें खड़े होने का भी तरीका क्या है, एक पांव आगे और एक पांव पीछे, ऐसे थोड़ा सा लंबा स्लोप में खड़ा होना होता है ताकि आपका जो जोर है वो प्रॉपर ढंग से लग पाए। चेक करेंगे बिल्कुल राइट एंगल में हमारी प्लेनर से प्लेनिंग हो गई। अब इसको फिर फाइनल कर दो, पीस हमारा ओके हो चुका है। इसको थोड़ा और करें एक बार, ये थोड़ी कमी है। आप डायरेक्शन बदलो इस तरह से खोल के ऐसे, इसकी थोड़ी सेटिंग करो। जाओ जब आपने भी कहा है ये अगली बार नेक्स्ट क्या हुआ। हाँ चलो अब ये हमारा पीस जो है उसके लिए कटिंग के लिए जो है तैयार हो चुका है। चारों साइड इसकी फिनिश हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसकी मार्किंग करना है। तो मार्किंग में क्या करेंगे, टोटल इसकी जो लंबाई है कितना है, 30 सेंटीमीटर या 12 इंच, तो इसको हम हाफ करेंगे। हाफ इसका आएगा 6 इंच अर्थात 15 सेंटीमीटर। तो हाँ, ट्राई स्केल की सहायता से आप इसको मार्किंग करेंगे और उसी तरह मार्किंग भी चारों दिशाओं में घुमा देंगे। गुड, वेरी गुड, ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो जो ये साइज है आपका कितना है, 6 इंच, 6 इंच का हाफ करेंगे। 6 इंच का इधर भी इसको हाफ में डिवाइड करेंगे और इधर भी। हाँ, ये इसका यहाँ 3 इंच जहां आ जाएगा वहां सेंटर लाइन ले, ये देखो। हाँ, इसको अब ट्राई स्केल से मार्किंग लो ऐसे ही। हाँ, अगले वाले पीस का। अच्छा, अब ये हो गया ये मार्किंग लगाओ बस। अब हम इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली, दिस साइड, इसका पैमाइश करेंगे और इसका हाफ करेंगे। यहाँ हाफ करो, इस मोटाई का चेक करो कितनी है, ये टोटल जितनी भी है ये 30 कितना है, 6
राइट 36 इसका जो हाफ होगा कितना होगा 18 तो इसकी सेंटर लाइन जो है 18 आएगी 15 के बाद 16 17 और 18 राइट तो अब इसको आप राइट कर लें लगाओ इधर भी लगाना इधर भी लगाना था यहाँ ले ले और उनको तीनों को मिला दो बस 15 16 17 18 ये 20 mm से 2 mm कम 20 mm से 2 mm कम 20 mm पे पहुंच जाओ और उससे 2 mm कम कर दो और ऐसे ही इधर 20 mm से 2 mm तो इसको आप इसी स्केल से मिला दो पूरा बाहर तक प्योर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जितनी इसकी ये मोटाई है इसको पैमाइज करो। अब इसकी जो मोटाई है इसको आप चेक करें कितनी है लगभग 50 mm है राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा जो जो आपने ये डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया है इधर भी किया है इस पीस को 6 इंच का ये किया था 6 इंच का ये और इसको 3 इंच पे आपने डिवाइड किया था दोनों तरफ। अब जो 50 mm अभी आपने इसकी मोटाई को चेक किया है उसको यहाँ डिवाइड कर देंगे इससे 25 इधर 25 इधर 25 सीधा ठीक है थीक। और यही सेम यहाँ पे आप करेंगे अब ट्राई स्केल से इसको आप सीधा ड्रा करेंगे और इसको नीचे तक ले जाएंगे वीडियो बन इसको आप नीचे तक ले जाएंगे यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक कोई बात नहीं और इसको इधर भी अच्छा इधर भी सेंटर निकाल लेना चलो ठीक है। तो इसका 38 था ना तो इसका 18 ही आएगा तो सेम मिला दो। इसके लिए छोटा ट्राई स्केल भी तो होगा ना हमारे पास इसको मिलाओ सेंटर वाली को कटिंग होगी इससे बाहर साइड वाली जरूरी है। अब आपने क्या किया इस पार्ट को जो है हाफ किया पहले यहाँ से और उसके बाद जो इसकी मोटाई थी उस मोटाई को चेक किया 50 mm और वो 50 mm इस सेंटर से 25 इधर 25 इधर वो हमने डिवाइड करके मार्किंग ले लिया और इसकी जो इस तरफ की मोटाई थी उसका भी हाफ ले लिया ये आप देख रहे हैं इधर भी हाफ लाइन ले लिया और इस पार्ट का भी हाफ ले लिया और इनको यहाँ पर आपने इसके साथ मैच कर दिया। अब नेक्स्ट रहेगा कि हमें एक एक और इसके बीच में लाइन लगानी है फॉर कटिंग के लिए एक एक मार्किंग और करो ताकि ये मटेरियल रिमूव करना है हमने इसी तरह इधर से ऐसे अंदाजे से लगाया जा रहेगा क्या कर रहा है इसके साथ इसको जोड़ो ना चलो अभी यहाँ सेंटर ये सेंटर इसका सेंटर में इसका सेंटर में तो ये लगभग जो हमारा मार्किंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए रिब सा का प्रयोग करेंगे तो शुरू करते हैं इसको आप बेंच वाइज में बांधेंगे बिल्कुल उसके अंदर रख लो ना नीचे अच्छा चलो फिर ऊपर फिर बराबर ले लो और इसको हम पीस को जहाँ कटिंग करनी होती है उससे लगभग 10 mm जो है हम इसको फ्री रखते हैं ताकि इजीली आप अपना कटिंग कर सकें। तो इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे सेंटर लाइन को सबसे पहले कटिंग करेंगे और उसके लिए तरीका वही है नखून रखेंगे वहां पे अपना अंगूठे का सीधा सीधा चलाएंगे बिल्कुल और जहां तक ये आपका मार्किंग है पेंसिल की वहां तक इसको ले जाएंगे और करेंगे
हो चुका है। अब आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट इसको कटिंग किया। अब इसी तरह इसके इधर वाला साथ वाला, तो ये इसीलिए है कि प्रैक्टिस हो हमारे सीधा काटने के लिए। और ये इसीलिए किया जाता है, ये मटेरियल हमें रिमूव करना है, तो इसको इस प्रकार से अगर नहीं करेंगे तो लकड़ी जो है वो फट जाएगी और जॉब हमारा खराब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस के द्वारा कटिंग करना ही हमारे लिए बेस्ट है। थोड़ा और इधर से रहेगा हल्का। चलो अब इसका थर्ड, इसके बाद हम दूसरी सा लेंगे टेनन सा, जो कि आपको बताया गया था कि टेनन सा किस लिए लेते हैं, जहां बिल्कुल राइट एंगल पर हमें कटिंग करनी हो और फिनिश कटिंग करनी हो, तो कॉर्नर हमें बिल्कुल फिनिश चाहिए आपस में ज्वाइंट करने के लिए, क्रॉस ज्वाइंट के लिए। तो इसलिए अब इस टेनन सा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका पर्पस फिनिश कटिंग करने का है, बिल्कुल स्मूथ और फिनिश। थोड़ा और हालांकि एंगल थोड़ा सा सीधा रखो। इसके बाद इस कॉर्नर को लेंगे, हमें 5 कट लगाने हैं इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए। 2 कट विद द हेल्प ऑफ टेनन सा और 3 कट जो है हमने कौन सी सा से लिया, रिप सा से। तो अब इसी तरह इसकी डायरेक्शन बदलेंगे और सेम प्रोसेस इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए इसका लेवल ठीक रखो। पहले वो आरी चलाओ। चलो अभी प्रैक्टिस जैसे हो गया तो इसको हम कॉर्नर वाले से स्टार्ट करते हैं। बस ये निशान जो है पेंसिल का आपका थोड़ा सा दिखाई देता रहे, ताकि अगर उससे ज्यादा आपने बढ़ा दिया तो ये हमारा ज्वाइंट लूज हो जाएगा और इस मटेरियल को हम बाद में हल्का सा रिमूव कर सकते हैं। अगर पहले इसको हमने लूज कर दिया तो हमारा ज्वाइंट बिल्कुल फ्री ज्वाइंट होगा और एक्चुअल हमें टाइट ज्वाइंट करना होता है। हाँ जी Thank you.
तो ये आपका रिबसा का प्रयोग है दोनों कॉर्नर को कटिंग करने के लिए। अब टेनन सा का, रिबसा का नहीं टेनन सा का, तो अब हम फिर दोबारा रिबसा प्रयोग कर रहे हैं। इसके द्वारा इजीली जो है कटिंग होती है, तो जहां रफ कटिंग करनी होती है वहां रिबसा का प्रयोग करते हैं, और जहां फिनिश कटिंग करनी है वहां पर आपको टेनन सा का प्रयोग करना है। तो ये आज आपका जो है वुडन ज्वाइंट क्रॉस ज्वाइंट, वुडन क्रॉस ज्वाइंट प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। आज से आपको कारपेंट्री का नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार से एक कारपेंटर जो है वो वर्क करता है, किन किन टूलों का प्रयोग करता है, और एक अलग से आपके पास स्किल वुडन वर्क के प्रति स्किल आ जाएगी। तो ऐसे ही नॉलेज के द्वारा आप कुछ भी बना सकते हैं फिर बाद में, क्योंकि ये इन टूलों का जिसको प्रयोग करना आ गया वो कुछ भी बना सकता है, उसको केवल डायमेंशन चाहिए, ड्राइंग चाहिए। और ये अलग अलग कट इसीलिए दिए जाते हैं कि इकट्ठा ये 50 mm का पीस कटिंग करना और निकालना, रिमूव करना, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसको इस प्रोसेस के द्वारा हम रिमूव करते हैं। और थोड़ा कर, तो अब अगला स्टेप रहेगा कि इस मटेरियल को रिमूव करना है हमने, ये जो बीच में है 50 mm इसको भी रिमूव करना है और 50 mm इसको भी रिमूव करना है। तो उसके लिए अब चीजल का प्रयोग करेंगे, चीजल लेंगे। इसके लिए दो चीजल है हमारे पास, तो सबसे पहले इसके लिए ये चीजल होगी, इसको बोलते हैं डोवटेल चीजल। तो जो हमारा ये छोटा पार्ट है इसको हम इसके द्वारा रिमूव करेंगे। यस यस, थोड़ा दूर से रखेंगे ताकि नीचे का मटेरियल ना रिमूव हो। इसी तरह इसको ऐसे पकड़ें, हाँ। तो ये है डोवटेल चीजल का प्रयोग कर रहे हैं आप। अभी ये रफ हुआ है, इसको और फिनिश करना है, उसके लिए हम फाइल का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद इसका इस चीजल का काम शुरू हुआ है, क्योंकि अब स्पेस जो है बढ़ चुका है, तो इस स्पेस को अगर साफ करना है तो हम अब फॉर्मर चीजल का प्रयोग करेंगे। यस, थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल अब रिमूव करना है और इससे इसमें फिनिशिंग भी आएगी। उसी से उसी तरह जैसे किया, ठीक है। अब इसी तरह इस पार्ट को भी हम फॉर्मर चेजर से साफ करेंगे, दूसरी इसमें धीरे धीरे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो अब लगभग ये जो है जो हमने मार्किंग किया था वहां तक लगभग ये मटेरियल रिमूव कर दिया गया, फिर भी थोड़ा अभी इसके लेवल में कमी है। उसके लिए अब हम इसकी जो फाइल है इसका प्रयोग करते हैं। आपको बताया था ये रास फाइल है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं यदि आप देखेंगे, बांधो इसी तरह लेवल ठीक रखो, टेढ़ा रखा हुआ बिल्कुल।
राइट एंगल। हाँ एक्चुअल क्या होता है, लेवल चेक करने के लिए जो इसके जाज है, जाज को बिल्कुल इस लेवल में रखोगे अपने जॉब के, तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल बना रहेगा। तो धीरे धीरे इसका जो है हम मटेरियल जो अभी भी ओवर है साइज, उसको इस फाइल के द्वारा रिमूव करेंगे। या यूं कहो कि अब फिनिशिंग हो रही है, ज्वाइंट के लिए फिनिशिंग हो रही है। और इसको हम एक बार चेक कर लें कि वाक्य में ये स्केल से चेक करो कि जो 50 हमने इसकी मार्किंग की थी, क्या 50 mm इसको रिमूव कर दिया गया? हाँ ऐसे ऐसे यहाँ से क्या 50 mm हो चुका है? हैं हो गया। ऐसे ही अब इसको चेंज करो, जॉब को चेंज करो। अब उसको भी हम ऐसे ही फिनिश करेंगे साइड को। तो इसमें खास ध्यान ये रखना है कि जो आपने मार्किंग की है पेंसिल से, उसको बिल्कुल खत्म नहीं करना। अगर उसको आपने बिल्कुल उड़ा दिया तो वो जॉब आपकी लूज हो जाएगी। फिनिशिंग जो है ये रास फाइल के द्वारा ही करेंगे। तो अब इसको हम चेक करने के लिए इसको टू पार्ट्स के अंदर कटिंग करेंगे। ये इसका लास्ट ऑपरेशन है, इसके बाद हम क्रॉस ज्वाइंट को आपस में ज्वाइंट करेंगे सीधा। तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट काटेंगे। वो आपको बताया है अपने हाथ का जो अंगूठा है उसको नखून उसकी आपको सपोर्ट देनी है, और ताकि वो आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको सीधा कटिंग हो, और वो केवल स्टार्टिंग में, उसके बाद तो आपकी लाइन अपने आप बन जाती है। और आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको डायग्राम में जो आपका ये वाला पीस था पूरा का पूरा, इस पीस को आपको उसका ड्राइंग बनाना है। फिर उसके बाद जो आपने प्रोसेस अभी देखा, किस प्रकार से कौन कौन सा टूल प्रयोग किया, मार्किंग कैसे किया, वो अगले सेकंड पार्ट के अंदर आपको ड्राइंग के द्वारा शो करना होगा। और स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको गाइड किया गया वैसे ही इसकी मार्किंग को आपको शो करना होगा। और उसी तरह फिर जो कटिंग प्रोसेस हमने प्रयोग किया है, 5 इसकी डिवाइडिंग लाइनें लगा करके, और उसको हमने तो अभी यहाँ सामने लगाओ क्या थी? अभी देखो ज्वाइंट कर रहे हैं। अगर टाइट होगा तो हम उसको फिर दोबारा और थोड़ा सा फिक्स करने की, पहले उल्टा लगा के देख ऐसे, तो पता लग जाएगा कि अभी इसका और हल्का सा साइड की जो है वो फिनिशिंग होनी जरूरी है। हाँ जिसकी कमी है उसको आप थोड़ा सा और उसी तरह फाइल से करेंगे और इसको भी सुधार लेंगे, है ना। इसको थोड़ा ऊपर रख लो ताकि दोनों काम हो जाए आपके। तो हल्की सी और इसमें थोड़ा सा टाइट है तो कोई बात नहीं, अगर ये लूज कर दिया जाता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो ये देखो अभी आप ये तो बहुत ही बढ़िया आपकी जो है ये आपका बन गया क्रॉस ज्वाइंट। दिस इज क्रॉस ज्वाइंट, वुडन क्रॉस ज्वाइंट। तो आपने देखा कितना सुंदर जो है ये आपका प्रैक्टिकल तैयार हुआ है।
तो इसको अच्छे से आपको समझना है और इसको अब अपना प्रैक्टिकल की कॉपी में इसको आपने तैयार कर देना है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पुनः इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस प्रकार वुडन वर्क हम कर सकते हैं सक्सेसफुली।